शामली के झिंझाना क्षेत्र के गांव रोटन में हाजी बदरुद्दीन कॉलोनी का शिलान्यास करने पहुंचे पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता इमरान मसूद का जोरदार स्वागत किया गया। शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव रोटन में हाजी बदरुद्दीन कॉलोनी का शिलान्यास करने पहुंचे पूर्व विधायक कांग्रेस नेता इमरान मसूद का जोरदार स्वागत किया गया। झिंझाना क्षेत्र के गांव रोटन में अफसर प्रधान उर्फ भूरा के निमंत्रण पर हाजी बदरुद्दीन कॉलोनी का शिलान्यास करने पहुंचे पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने फीता काटकर कॉलोनी का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि अफसर प्रधान उर्फ भूरा रोटान ने अपने पिता की याद में अपने पिता के नाम से बदरुद्दीन कॉलोनी बसाई, जिसमें उन्होंने अपनी 8 बीघा जमीन में गरीब लोगों को मकान की जमीन देकर बेसहारा लोगों को बसाया है, जो फुटपाथ पर अपना जीवन बसर करते थे। अफसर प्रधान उर्फ भूरा ने बताया कि अब तक 40 गरीब लोगों के मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और अभी 40 लोगों के मकान बनने बाकी हैं। उन्होंने बताया कि टोटल 80 परिवार बदरुद्दीन कॉलोनी में अपना जीवन बसर कर सकते हैं, जिसमें खतौली, पुरकाजी, शाहपुर, हिंदवाड़ा, लोनी, चंडीगढ़, करनाल के लोग आकर बस चुके हैं। अफसर प्रधान उर्फ भूरा ने बातचीत करते हुए बताया, जो लोग बेघर हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख या ईसाई, कोई भी हो, वह यहाँ पर आकर अपना घर बनाकर अपना जीवन बसर कर सकता है। इस दौरान कांग्रेस नेता इमरान मसूद, राष्ट्रीय लोकदल के युवा राष्ट्रीय महासचिव अशरफ अली खान, नाजिम ठेकेदार, ब्लॉक प्रमुख रामपाल सिंह, रालो नेता हरेंद्र उर्फ भूरा, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल अनवार चौधरी, इस्लाम MD, राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष मुकेश सैनी, पूर्व जिलाध्यक्ष ऋषिराज राजन, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अयुब जंग, नवाब प्रधान, सलीम प्रधान, हुकुम प्रधान, प्रमोद कुमार प्रधान, इसरार राणा आदि लोग मौजूद रहे। करीबन 2-2.5 महीने हो गए कुछ नेता जी प्रधान जी खबर सुनी, हमने कह यहाँ प्लॉट मिल ले। अच्छा, आके अपना यहाँ रह लगे। अच्छा, कुछ डर जैसा दिन था ना, डर जैसा यहाँ है, अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से यहाँ रह गए। हमारे पास कोई किसी के दबाव नहीं है। ये लोग जी जो दिन 2-3 जीरो से आए, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से, शामली से, अच्छा जी, वे लोग ये आए जो उनपे बेघर से बेघर हो फिर थे, इनपे कोई जगह नहीं थी जी। ये मेरे सैंड के मेरे मुझे अपनी खुद जमीन अपनी बेना लगी, इनका 8 बीघे देने का मैंने काम किया जी। हर आदमी ने 100 गज, 200 गज, 300 गज का प्लॉट दिया। अच्छा, मैंने अभी 40 लोगों से 40 घर मैंने बसा दिए हैं और 100 घर का मेरा टारगेट है। 8 बीघे जमीन मैंने फ्री मुफ्त देना काम किया। ये लोग खतौला से आगे, हिंदवाड़े से आगे, पुरकाजी से आगे और इस शाहपुर से आगे, लोनी से आगे, चंडीगढ़ करनाल से आगे, लोग 40 मकान हो गए जी। अच्छा, 80 मकानों का टारगेट, 8 बीघे जमीन, जहाँ तक भी लोग 8 बीघे बसेंगे उसका टारगेट मेरा। बस मेरे दिल में ऐसी मोहब्बत आएगी, मैं कहीं जा रहा था, मुझे गरीब आदमी सड़क में पड़ा सो रहा था, मैं ट्रेन से उतर के जाकर उसमें जगह नहीं थी, मुझसे टकरा, मैंने 8 बीघे जमीन अपनी छोड़ दी, मैं लोगों को बसाना काम कर रहा। संदेश तो यही देना चाहिए, हमने बहुत अच्छा काम किया जी। सर मैं तो पहले लोगों पर जगह है रोटन में, एक आदमी बाहर था मेरा 15-20-30 साल पहले से, वो जगह बचा बीमारी के वस्ते, कैंसर उसके हो गया, तो बीमारी के वस्ते अपना मकान 87-84 बेच के चला गया। उसने मैं अपने 30-35 साल के अंदर में वापिस अपने घर गाँव में लिया और उससे मैंने मकान दिया। नहीं नहीं, मेरी रोटी तो कोई सी आवाज फिर ना हो, हिंदू मुस्लिम, हाँ कोई हिंदू मुसलमान हो, कोई मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, इस पे जगह ना वो आ सकता है उसका। वो तो हमारा गांव है जी खतौला। अच्छा, खतौली, खतौला मुजफ्फरनगर जिले में, मुजफ्फरनगर जिले के। अच्छा जी, बहुत दिनों से बेरो बिरान थे, घरवाली का इंतकाल हो गया जी, जगह थी नहीं, प्रधान जी ने कहा आ जाओ गरीबों को बसा रहा है। अच्छा, यो गरीबों की बस्ती है जी सारी। कितनी जगह मिली आपको? मेरे पास जगह है जी 400 गज है, मुझे हो ले 2 महीने, 2 महीने हो गए। हाँ, नहीं ना भर लिया, कमरा बना दिया। अच्छा, नहीं जी मेरे पास कुछ नहीं था। अच्छा, शामली किराए पर रह रहा था। अच्छा जी, बढ़िया लग रहा है।